Good morning, the students of class 6. Myself Adis here. Today we have to discuss the separation of insoluble solid substance from liquid. आज हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह सेपरेशन करें इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में. जो कुछ सॉलिड सब्सटेंस है जो इनसोल्युबल है, घुल मिल नहीं जाता लिक्विड में, तो उसको किस तरह सेपरेट करें. हम लोग सॉलिड से सॉलिड सीख गए, सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड से सीख गए. आज हम लोग दूसरा पार्ट सीख रहे हैं. पेज नंबर 31 ओपन करो आप. 31 पेज में देखो लिखा है ना, फर्स्ट पॉइंट है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन. क्या है देखो, दिस मेथड इज यूज टू सेपरेट एन इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फ्रॉम अ लिक्विड. लिक्विड से इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस को अलग कर सकते हैं सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन. दिमाग पर रखना, दोनों एक साथ चलता है. पहले सेडिमेंटेशन होता है, ठीक उसका नेक्स्ट डिकेंटेशन होता है. कभी उलट मत देना, डिकेंटेशन पहले नहीं हो सकता, पहले सेडिमेंटेशन देन डिकेंटेशन. तो फिर टॉपिक में आ जाओ. बाय दिस मेथड कंप्लीट सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल. फिर भी सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन दो प्रोसेस के बाद भी कुछ अधूरा रह जाता है. फिर आगे हम लोग फिल्ट्रेशन एवेपोरेशन जो भी है उस प्रोसेस को भी यूज करेंगे. यू मस्ट हैव सीन योर मदर सोकिंग राइस ग्रेन इन वाटर बिफोर कुकिंग देम. देखिए हो गया. यू मस्ट हैव सीन योर मदर. आप देखे होंगे घर पे मम्मी क्या करते कुकिंग, जब राइस को चावल बनाते हैं तो राइस ग्रेन को चावल का दाना को पानी में डिजोल्व करके रखते, सोकिंग करते हैं, भिगो के रखते. तो क्या इसमें होता है, द मेथड यूज बाई हार इज सेडिमेंटेशन. ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस है और डिकेंटेशन भी करते हैं क्योंकि पानी सिस. डज दिस टू सेपरेट राइस ग्रेन फ्रॉम द लाइटर सॉलिड लाइक टाइनी पीस ऑफ स्ट्रॉ इंसेक्ट. ये जो है लाइट हल्का हल्का जो चीज़ है, चावल जो है थोड़ा वजनदार है तो नीचे बैठ जाएगा पानी में, जब उसको पानी में भिगोया जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, स्ट्रॉ का छोटा छोटा टुकड़ा इंसेक्ट अगर कीड़े मकोड़े है ये ऊपर वो हल्का होने का ऊपर आ जाएगा. फिर उसको अलग कर लेते हैं छान के अलग से स्टेन करके, है ना, जिस तरह पिघर भी देख रहे हो जिस तरह सेडिमेंट हो रहा है नीचे. पहला पिघर में सेडिमेंटेशन दिखा रहा है मिक्स. पहला जो ग्लास जार में मिक्सअप है, सेकंड ग्लास जार में जो हैवी पार्टिकल्स है चावल वो नीचे बैठ गया, है ना. फिर नेक्स्ट फिगर में देखो उसको अलग किया जा रहा है, दैट इज डिकेंटेशन. तो सेडिमेंटेशन क्या है, सेडिमेंटेशन इज ए प्रोसेस इन विच द हेवियर पार्टिकल्स ऑफ एन इनसोल्युबल सॉलिड इन अ लिक्विड सेटल डाउन एट द बॉटम, है ना. इस सेडिमेंटेशन प्रोसेस में जो हेवियर पार्टिकल्स है वजनदार है, हेवियर पार्टिकल्स ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता, ऐसा सॉलिड जो है लिक्विड में नीचे की तरफ बॉटम पे नीचे बैठ गया. देखो फर्स्ट डायग्राम का सेडिमेंटेशन का सेकंड ग्लास जार देखो आप, उसमें बैठ गया, नीचे बैठ गया, है ना. तो ये प्रोसेस है सेडिमेंटेशन. दिस मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल दैट सेटल डाउन एट द बॉटम इज कॉल्ड सेडिमेंट. इस पर जो नीचे बैठ गया ना बोलते हैं सेडिमेंट. फिर नेक्स्ट है डिकेंटेशन. डिकेंटेशन में क्या है, इज अ प्रोसेस दैट फॉलो सेडिमेंटेशन. सेडिमेंटेशन के नेक्स्ट ही फॉलो बोला है, नेक्स्ट डिकेंटेशन होना जरूरी है. इट इन्वॉल्व्स पोरिंग आउट द लिक्विड. देखो पानी को डाल अलग से कर रहे, पोरिंग कर रहे डाल रहे विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट. सेडिमेंट जो नीचे जो बैठा गया था उसको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, उस हिसाब से धीरे 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 इसको अलग किया जाता है, वो दूसरे कंटेनर में लिया जाता है पानी को, ऊपर वाला लिक्विड को. द लिक्विड दैट इज फॉरवर्ड आउट स्टिल कॉन्टेन सम इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल. इसमें भी जो लिक्विड अलग हो रहा है ना, उस लिक्विड में कुछ इनसोल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हल्का वाला वो अलग हो गया. अच्छा फिर हम नेक्स्ट पेज देखते हैं क्या है. अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस पे आते हैं. फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, तो ये इट इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए लिक्विड यूजिंग ए फिल्टर. फिल्टर करके, फिल्ट्रेशन का मतलब ही फिल्टर करना, तो फिल्टर करके छान के जो इनसोल्युबल सॉलिड सब्सटेंस था लिक्विड में उसको सेपरेट करना, है ना. फॉर एग्जांपल ले लो, योर मदर यूज ए स्ट्रेनर, छन्नी यूज करते टू फिल्टर टी लीव्स. जब चाय बन जाता है ना तो प्रिपेयर टी, जब चाय बनता है तो चाय को जो कप में डालते या ग्लास में डालते तो छन्नी का यूज़ होता है, उसको स्ट्रेनर बोलते हैं. उसमें क्या होता है, छन्नी में तो चाय पत्ती रुक जाता है टी लीव्स, और चाय जो लिक्विड के रूप में कप में आ जाता है.
some people tie a thin muslin cloth to the mouth of a tap to filter. तो फिल्टर के रूप में कोई जो टैप होता है, नल होता है, उसमें उस नल के मुंह पे मुस्लिम का कपड़ा, फाइन कपड़ा भी लगा देते हैं। इससे क्या होता है, जो मड जो कीचड़ वाटर में जो मड होता है वो नहीं आता, नीचे से पानी आता है, फिल्टर पानी आ गया, ये प्रोसेस हो गया। तो फिल्टरेशन इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पफ, PULPL साइलेंट हो जाएगा, पफ फ्रॉम फ्रेश जूस, फ्रेश जो जूस निकलते हैं फ्रूट्स का, उससे भी छान सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते, होता ही है। तो जूस का लिक्विड फॉर्म हम लोग पीते हैं, बाकी उसके साथ सीड वगैरह जो भी रहता है, कार्नेल रहता है, वो रुक जाता है। एंड फॉर प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ बनते हैं, जिसको पनीर बोलते हैं, इसी प्रोसेस में बनाया जाता है घर पर, फिल्ट्रेशन प्रोसेस में। इन द लेबोरेटरी लैब में, केमिकल लैब में फिल्ट्रेशन इज डन यूजिंग अ फिल्टर पेपर होता है, जो गाइड लेफ्ट साइड में आप देखो फिल्टर पेपर को किस तरह पॉलिश गोल जैसा होता है ना, फिर उसको फर्स्ट स्टेप में गोल रहेगा, सेकंड में उसको एक फोल्ड करो, थर्ड स्टेप में और एक फोल्ड करो, फोर्थ स्टेप में इसको तीन पार्ट एक तरफ, एक पार्ट एक तरफ रखे, फाइनल जैसा शेप में बना लो। इसके ऊपर जो है पिक्चर में देखो वो दे रहा है लोडिंग प्रोसेस। लोडिंग प्रोसेस में क्या होता है, ये जो एलम है, एलम एक केमिकल है, एलम को इसमें मिलाया जाता है ना, उसको पानी में, और गंदा पानी है, गंदा पानी को एक बीकर में ले लिया गया और उसमें एलम फिटकरी नाम से भी हम जानते हैं हम लोग, तो क्या बोलते हैं उसको दे देना है, और एक घंटा दो घंटा पानी को अनडिस्टर्ब करो रख दो, तो धीरे धीरे देखना नीचे जो कचरा है वो बैठ जाएगा, ऊपर पानी क्रिस्टल क्लियर पानी आ जाएगा, माटी वाटर से आप प्योर मतलब क्लियर वाटर इस तरह आप पा सकते हो। तो अब फिर से आ जाते हैं सेकेंड पार्ट में, इन द लेबोरेटरी फिल्टरेशन इज डन यूजिंग अ फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर प्लेस इन ए फनल, जैसे फनल सेट में होंगे, फनल में लगा देते हैं। फिल्टर पेपर इज ए सर्कुलर पेपर गोल होता है विथ मिलियन ऑफ टाइनी, छोटा छोटा टाइनी होल्स होता है इसमें, ये नहीं इतना छोटा होता है सिर्फ पानी ही पास हो सकता है, इसका नाम है अभी तक छोटे हो फिर भी नाम बता दो, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन, आप एट में पढ़ोगे इसके बारे में। वो पार्टिकल्स रुक जाते हैं, पानी चला जाता है, मतलब छोटा छोटा पार्टिकल्स रुक जाएंगे, सिर्फ वाटर जो है वो ड्रॉप ड्रॉप निकल जाएगा, नीचे आ जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा, विच आर नॉट विजिबल विथ नेकेड आइज। अब खाली आंख से देख नहीं सकते। फॉर फिल्टरेशन टू बी कैरीड कट आउट द फिल्टर पेपर इज फोल्डेड इन टू द शेप ऑफ कोन, जो कोन शेप में बना दिया ना, पहले गोल था स्टेप वन में, फिर सेकेंड स्टेप में इसको एक फोल्ड किया, हाफ सर्किल आ गया, फिर थर्ड स्टेप में और एक फोल्ड किया, ट्रायंगल शेप में आ गया धीरे धीरे, आप फिर फोर्थ स्टेप उसको फाइनल शेप में बना के फोल्ड करके फाइनल शेप बना लेते, कोन शेप बना लेते और वो फाइनल में उसको लगा देते। फाइनल में जो भी लिक्विड है, अगर मट वाला चौक वाला चौक पानी को मिक्स कर लिए है ना, ये मट पानी को मिक्स कर लिए, फिर उसको धीरे धीरे उसमें अगर डालते हैं तो वो जो फाइनल में जो फिल्टर का पर लगा हुआ वो उसमें वो चौक हो या मट वो रुक जाएगा और पानी धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप फिल्टर होते नीचे आ जाएंगे, दूसरे कंटेनर में उसको यूज ले सकते। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पेज में आ जाओ, जो पेज नंबर 33 में देख लो, इसमें क्या है, इसमें है फिल्टर एवेपोरेशन। एवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, एवेपोरेशन ए सॉल्युबल सॉलिड कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ लिक्विड इट इज डिजॉल्व इन बाय प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन, प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ लिक्विड इंटू वेपर, लिक्विड से वेपर बनने का बाय बॉइलिंग, गर्म करके जैसे भाप बनता है ना उसको एवेपोरेशन बोलते हैं, गर्म पानी को गर्म करते वेपर होके निकल जाते, दैट इज एवेपोरेशन है ना। एज अ रिजल्ट ऑफ हीटिंग, जब गर्म होता है द लिक्विड एवेपोरेट लिविंग बिहाइंड द सॉलिड कॉम्पोनेंट, सॉलिड कॉम्पोनेंट नीचे पड़ा रहता है और लिक्विड अलग होकर चला जाता है एवेपोरेशन प्रोसेस में। द प्रोसेस ऑफ एवेपोरेशन इज यूज टू ऑब्टेन सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर, अब राइट साइड फिगर भी देख रहे हो ना डायग्राम में, तो सी वाटर समुद्र का पानी से नमक बनाया जाता है इस एवेपोरेशन प्रोसेस से। कैसे, सी वाटर इज कलेक्टेड इन सोलो पीट, गड्ढा करके कहीं सोलो पीट, पीट मीन्स गड्ढा और पॉन्ड जैसा बना के समुद्र का पानी को वहाँ लिया जाता है, ड्रेन करके लाते हैं, अलाउड टू स्टैंड देयर, वहीं पर छोड़ दिया जाता है पानी को, वो पानी ड्राई होते जाएगा धीरे धीरे, पानी ड्राई कैसे होगा, वो एवेपोरेशन हो जाएगा, पानी सनलाइट में सूरज की रोशनी से धीरे धीरे हीट होगा
द वाटर एवेपोरेट कम्प्लीटली ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, समझकर उसने से गर्मी से वो पानी जो है वेपर बन के एवेपोरेट होकर एटमोसफेयर पर चला जाएगा और क्या रह जाएगा, सॉल्ट, तो लिविंग द सॉल्ट बिहाइंड. दिस सॉल्ट इज देन प्यूरिफाइड, प्यूरिफिकेशन होता है सॉल्ट का, शुद्धिकरण टू ऑब्टेन कॉमन सॉल्ट जो हम लोग यूज करते खाने में वो बनता है. एक फैक्ट फाइल में आप देखो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सब्लिमेशन बोल के लेकर, तो एवेपोरेशन और सब्लिमेशन में डिफरेंस है. एवेपोरेशन क्या है, लिक्विड से वेपर होना है ना, सब्लिमेशन सॉलिड से वेपर हो जाना. सॉलिड को गर्म करोगे वेपर बन जाएगा, जैसे कैंपर हो गया, कपूर जिसको बोलते, उसको जब वो सॉलिड के रूप में होता है, उसको जब जब बन करोगे, जलाओगे, हीट करोगे और वेपर में चला जाएगा. ये हो गया सब्लिमेशन. थैंक यू.